लिया है, किस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं चुनाव को लेकर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो पूरे प्रदेश में 2019 लोकसभा के चुनाव की तैयारी पहले से शुरू कर दी थी, और सुश्री बहन मायावती जी के निर्देशानुसार बूथ, सेक्टर, विधानसभा और ज़िले की कमेटी रिव्यू भी की जा रही है, और बड़े पैमाने पर 2019 की तैयारी की गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला 2019 गठबंधन का होगा, और सुश्री बहन मायावती जी जरूर देश की नेता, मतलब जो विपक्ष के हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं, जरूर बहन जी को चुनने में अपना सहयोग देंगे। पूर्वांचल में खासकर बात की जाए तो मोदी जी लड़ रहे हैं, तो उनके प्रति किस तरह की रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं? जनता की नाराजगी तो बहुत है, क्योंकि वर्तमान सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, वो हर मामले में फेल हो चुकी है। चाहे कानून व्यवस्था ले लीजिए, बेरोजगार, किसान, मजदूर, महिलाओं की सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा, हर तरीके से पूरी तरह फेल हो गई, और विकास के कार्य भी अवरुद्ध हो गए हैं। केवल बस जुमलेबाजी से सरकार चला रहे हैं, बाकी जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उससे जो है जनता वंचित है, और जन विरोधी ये सरकारें हैं। कांग्रेस को कैसे टक्कर देंगे, क्योंकि अब प्रियंका गांधी भी आ गई है? देखिए, ऐसा नहीं, अब मैंने पहले बता दिया, गठबंधन तो इतना मजबूत है, कोई भी आए उससे हमें ये नहीं है। अब हमारे राष्ट्रीय नेता सोचें, और राष्ट्रीय नेता के जो निर्देश है, हम लोग पूरी तरह लग के और इस चुनाव में सफलता हासिल कर। राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी है एकदम पूरी तरह से, प्रियंका गांधी को भी लेकर के? अब नहीं, अब ये तो राष्ट्रीय नेता हमारे तय करेंगी, जो मतलब सुश्री बहन मायावती जी, उसके बारे में हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ठीक है।